जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूँ। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल एक की यहाँ पे सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और इसके साथ ही अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके पवन पारिक को सर्च करना है वहाँ पे और फॉलो कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर लेवल फर्स्ट की वैकेंसी आई हुई थी, आपको पता ही होगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 30/8/2018 को यहाँ पे टीचर लेवल एक संस्कृत नॉन टीएसपी वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। फिर उसके बाद में 30/8/2018 टीचर लेवल एक संस्कृत नॉन टीएसपी की लिस्ट जारी की गई है यहाँ पे 30 तारीख को। ये यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है और ये यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट है। और इसके बाद 30/8/2018 को ये जारी की टीचर लेवल फर्स्ट टीएसपी की वेटिंग लिस्ट और टीएसपी की यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है। तो ये संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई हुई थी और उसकी जो वेटिंग लिस्ट है अब आ चुकी है। तो आपका अगर सिलेक्शन लिस्ट में नाम है या वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोनों को करानी है, चाहे सिलेक्शन लिस्ट में हो चाहे वेटिंग लिस्ट में हो। और इसके अलावा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, डाउनलोड हो रही है। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, देख सकते हैं आप। निदेशालय संस्कृत शिक्षा जयपुर, तो संस्कृत शिक्षा के अंदर वैकेंसी आई हुई थी और उसकी जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे जारी कर दी गई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं डाउनलोड करके। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है सिलेक्शन लिस्ट में तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।